हिसाब से 70% ऑफ द स्टूडेंट्स जो वहाँ पे जाके हैं वो वहाँ पे जाके ना अपना मोटिव ही भूल जाते हैं कि हम यहाँ पे MBBS करने आए थे। तो अगर मैं क्लिनिकल एक्सपोजर की सीधी साफ स्पष्ट बात करूँ, जीरो, तो आपको कोई भी सच नहीं बताएगा कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कारण ही कुछ टाइम के लिए वहाँ पे वॉर रुकी थी और इंडियंस को जाने दिया। देखिए ऐसे किर्गिस्तान, जॉर्जिया और फिलिपींस, मुझे लगता है रशिया भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि अभी भी वही वॉर वाला सब चल रहा है। Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are talking with Dr. Purva Sood. She has just recently cleared her FMGE exam, which gives her the license to practice in India as a doctor. हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि Dr. Sood, what inspired you to pursue MBBS in Ukraine? So hello guys and hello Dr. Shweta. Talking about this, like who was my inspiration? So I think my father. 2016 में when I was preparing for my NEET UG, उस टाइम पे मेरे फादर को ना हार्ट अटैक हुआ था। तो दैट वॉज अ साइलेंट MI, ठीक है, उसमें ज्यादा सिम्टम्स वगैरह होते नहीं है। तो मैं अपनी मम्मी के साथ में लाइक हॉस्पिटल गई, वहाँ पे देखा कि डॉक्टर्स का तो अलग ही, मतलब मैं यूजी की तैयारी कर रही थी, मतलब 8th क्लास से ही था डॉक्टर ही बनना है। अपने पापा को दोबारा से मतलब डॉक्टर्स ने नई जिंदगी दे दी, वो तो फिर मेरा माइंड में इम्प्रिंट ही हो गया कि भाई अब तो कुछ भी हो जाए डॉक्टर ही बनना है। 2016 में अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट गेट अ गवर्नमेंट सीट, तो मैंने बोला मैं ड्रॉप लूंगी। तो 2017 में मैंने फिर से नीट दिया। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे भी मेरे मार्क्स इंक्रीज हुए, आई गॉट अ स्कोर ऑफ 465, बट आई कुडंट गेट अ गवर्नमेंट सीट अगेन। तो मेरे पापा ने जब वो एडमिट थे हॉस्पिटल में, मुझे अपने पास बुलाया और उन्होंने ना मुझे उस टाइम पे भी बोला कि बेटा ड्रॉपर नहीं, डॉक्टर बन, बाहर चली जा। मतलब उन्होंने ही सबसे पहले मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि MBBS अब्रॉड करके भी कुछ चीज है। तो फिर आई डिसाइडेड मैं बाहर जाऊंगी। सेकंड क्वेश्चन कि आप एडमिशन प्रोसेस के बारे में थोड़ा कुछ बता सकते हो और फीस वगैरह क्या है वहाँ पे? आप जिस भी होम टाउन वगैरह में रहते हो वहाँ पे बड़े आपको न्यूज़पेपर के अंदर पैम्फलेट वगैरह आते हैं, ठीक है, MBBS अब्रॉड, MBBS अब्रॉड और MBBS अब्रॉड, ठीक है। कोई भी एजेंट पकड़ लो, आपको हर एक एजेंट यही चीज बोलेंगे कि दी बेस्ट है, एम से भी ऊपर पढ़ाई होती है और तुम्हें बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करेंगे। अगर तुमने एक बार ही सेमिनार लगा लिया है एजेंट्स का, कोई भी एजेंट, मैं किसी को स्पेसिफाई नहीं कर रही, आप फुली मोटिवेट हो जाओगे कि आपको तो बस मतलब बाहर जाना ही जाना है। मैं भी ऐसे ही न्यूज़पेपर में पैम्फलेट मुझे मिला, मैं गई सेमिनार में, वही मैं जाना चाहती थी जॉर्जिया, बट जॉर्जिया आउट ऑफ बजट जा रहा था। जितने में वहाँ पे MBBS होती है ना जॉर्जिया में, आप यहाँ पे एक प्राइवेट सीट लेके MBBS कर सकते हो, एंड आई थिंक दैट इज अ बेटर ऑप्शन। फिर उन्होंने वही मैनिपुलेशन हुई और उन्होंने बोला आपको यूक्रेन जाना चाहिए। उन्होंने दो तीन यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन दिए, मैंने एक ठीक ठाक सी यूनिवर्सिटी चुन ली। हालांकि मेरे पेरेंट्स वो लाइक कि दी अब तू बाहर जा ही रही है तो दी बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़, बट मैंने बोला कि नहीं यार मुझे एम्स में नहीं पढ़ना, मतलब एम्स वाली यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना, मुझे ना कोई भी हल्का फुल्का कॉलेज चलेगा, डिग्री तो लानी है। और तुम चाहे वहाँ पे 70 लाख वाली में पढ़ लो, 80 में पढ़ लो या 30 में पढ़ लो, FMG तो आकर देना ही है। तो फिर इसी से ही मेरा मतलब बना कि मुझे यूक्रेन जाना है। और मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है VN कराजिना नेशनल खार्किव यूनिवर्सिटी। और फिर जब तय हो गया कि मुझे जाना है, वो दे दिया टोकन मनी जो भी होती है, बट आई थिंक 1 लाख रुपया लगता है कंसल्टेंट की फीस होती है। 2017 की बात कर रही हूँ मैं, 20 लाख तो फीस थी, ठीक है, ट्यूशन फीस, उसके अलावा हॉस्टल चार्जेस और तुम्हारा मिसलेनियस चार्जेस होते हैं। और मिसलेनियस मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है, बोलेंगे तुमको 2-3 लाख, बट वहाँ पे जाते जाते 7-8 लाख हो जाएगा। अगर आप किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू जा रहे हो, अगर वो आपको बोल रहे हैं 25 लाख, तो उस पर 10 लाख प्लस कर दो क्योंकि खर्चा होगा। बजट में कन्फाइन मत कर लेना अपने आपको कि 25 लाख बोला है तो भाई 25 लाख में तो वाह यार बढ़िया डील है, नहीं। मुझे भी 20-25 लाख बोला गया था, तो आई थिंक 30-35 के करीब मेरा, मतलब मेरा तो क्या ही है, मेरे माँ बाप का पैसा लग गया। एजेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। हालांकि जो भी मेरे एजेंट्स हैं वो मैनिपुलेटिव थे, बट उन्होंने मुझे एक राइट कॉलेज में एडमिशन दिलवा दी। तो एजेंट जो भी आपका कंसल्टेंट, वो चूज करना एक बहुत बड़ा टास्क है। जिसके भी थ्रू गए हो उसने और भी तो स्टूडेंट्स को भेजा होगा, पहले उनसे कॉन्टैक्ट मतलब उनका नंबर लेके उनसे बात करना, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एजेंट आपको यूक्रेन छोड़ के बिल्कुल भाग गया। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनको एजेंट्स ने भेज दिया, उसके बाद वो पीछे मुड़ के एजेंट्स ने देखा भी नहीं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस व्हाइल एडजस्टिंग टू लाइफ एंड स्टडीज इन यूक्रेन? बिगेस्ट जो चैलेंज आने वाला है वो है कोल्ड क्लाइमेट। सेकंड जो सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है वो है लैंग्वेज बैरियर। तो पानी की जगह सोडा उठा लाए,
दूध की जगह दही ले आए, आता है नहीं, पढ़ना आता नहीं, बोलना आता नहीं। और उस टाइम पे ना गूगल ट्रांसलेट का भी इतना कोई फैशन फूशन नहीं था। ठीक है, एक दो दिन मुश्किल हुई, पर वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, हेल्पफुल थे। ठीक है, सीनियर्स कुछ सारे तो नहीं, बट कुछ सीनियर्स हैं, उन्होंने बहुत हेल्प करी और ऐसे ऐसे करके एडजस्ट हो गए। फिर हमारा ना वहाँ पे जाके एंट्रेंस एग्जाम होता है, हमें बायोलॉजी इंग्लिश का एग्जाम देना होता है, तभी जाके आपकी एडमिशन होती है। हमारी कंसल्टेंट ने हमें बता दिया था ठीक है कि तुम्हारा एग्जाम होगा, तो ऐसा नहीं है कि भाई तुम बाहर जा रहे हो तो अपनी एनसीआरटी फेंक जाना, ठीक है, अपनी एनसीआरटी साथ लेके आना, वहाँ पे पढ़ना, उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है वहाँ पे जाके यूनिवर्सिटी के साथ। और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो आपको नहीं पता, क्योंकि आपको तो लैंग्वेज आती ही नहीं है। वो आपका एजेंट ही होता है जो वो इनिशिएटिव लेता है, बस आपको बस साइन करने होते हैं, ठीक है। और एग्जाम भी क्लियर हो गया, उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होता है, वो बस नाम का ही होता है, नॉमिनल सा, ठीक है, इंग्लिश देखते हैं आपको आती है कि नहीं। और फिर बस आपको बैच अलॉट हो जाता है वहाँ पे। वहाँ पे ऐसा होता है जैसे यहाँ पे इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या होता है कि 100-100 बच्चों का या 150 स्टूडेंट्स का बैच होता है ना, तो वहाँ पे ना 15-15 बच्चों का बैच बनता है। अच्छा, हाँ, तो मतलब एक टीचर 15 स्टूडेंट्स पे, और आप यू गेट अ ऑप्शन कि आपको इंडियन स्टूडेंट्स के साथ पढ़ना है या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ। तो आई वॉज मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। हाँ, तो मैंने, मेरा बैच बन गया और मुझे एक डेट दे दी गई कि आपकी इस दिन से शेड्यूल दे दिया गया कि ये आपका टाइम टेबल है, अब से आपको क्लासेस लगाने। तो स्टार्ट हो गई मेरी MBBS की जर्नी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज द करिकुलम ऑफ यूक्रेनियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज डिफर फ्रॉम दैट ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। कोई 19 सब्जेक्ट्स हैं हमारे, ठीक है, एक सब्जेक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कम्युनिटी मेडिसिन। वहाँ पे वो उनका लेवल का पढ़ना पड़ता है हमें, ठीक है। वहाँ पे ना उन्होंने इस सब्जेक्ट को सेग्रीगेट किया हुआ है इनटू हाइजीन, सोशल मेडिसिन, ठीक है, एंड न्यूट्रिशन, ये तीन चीजों में बांटा हुआ है। बट वो वहाँ पे हमें उसके लेवल का पढ़ना है। थ्योरी की बात कर रही हूँ, अभी क्लिनिकल एक्सपोजर पे नहीं आई, मुझे पता है सब लोग मेरे मुंह से क्या सुनना चाह रहे हैं, बट उससे पहले मैं यही बोलूंगी कि थ्योरी में जहाँ हम मार खाते हैं, एक इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट, मेरा रियल ब्रदर, खुद का भाई मेरा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है चंडीगढ़ में, ही इज इन सेकेंड ईयर, उनको फर्स्ट ईयर से कम्युनिटी मेडिसिन है। तो इतनी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और FMG एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कम्युनिटी मेडिसिन श्वेता बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। यू वोंट बिलीव 40 क्वेश्चन आया है, 40-45 क्वेश्चन थे PSM के। भगवान की दया से मेरे टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत अच्छे थे। कुछ कुछ टीचर्स ने इतना मोटिवेट किया ना, मतलब उनके कारण ही पढ़ना शुरू किया मैंने यार। और पेशेंट्स का कैसा है वहाँ पे? क्लिनिकल, हाँ, अब क्लिनिकल पे आते हैं। देखो, हमारे जो पेशेंट कैटेगरी वही बूढ़े लोगों का, लाइक ओल्डीज का था। अब भाई हमारी दादी नानी है, ठीक है, उन लोगों को कहाँ इंग्लिश आती है यार, तो वो लोगों को भी इंग्लिश नहीं आती। पढ़ाई पूरी इंग्लिश में थी हमारी, थ्योरी हमारी पूरी इंग्लिश में थी, टीचर्स भी इंग्लिश में ही बात करते हैं, ठीक है। और तुमको एक एडिशनल सब्जेक्ट हमें पढ़ाया जाता था यूक्रेनियन, ठीक है, ताकि हमें वहाँ पे लोकल लोगों से बात करने में, सामान वामान लेने में ईजी हो, ठीक है। वो तुम्हें थ्रू आउट पढ़ना पड़ेगा, लाइक फिफ्थ ईयर तक तो वो सब्जेक्ट था, सॉरी फोर्थ ईयर तक, ठीक है। हाँ, तो टीचर जाती थी हमारे साथ हॉस्पिटल में, वो कम्युनिकेट करती थी, ठीक है, नहीं समझ में लगता था। तो अगर मैं क्लिनिकल एक्सपोजर की सीधी साफ स्पष्ट बात करूं, सबको बताऊं, जीरो। आपको थ्योरी पढ़नी है, और 6 साल है, और उसके बाद आकर आपको एक एग्जाम देना है, ठीक है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन देना है। उसमें थ्योरी आएगी, उसमें क्लिनिकल तो नहीं पूछा जाएगा कि चल भाई सूचर करके दिखा बंदे को, राइट, ठीक है, मतलब ऑस्की टाइप तो नहीं होता हमारा यहाँ पे। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो फिर उसका रेपरकशन यहाँ पे फेस करना पड़ता है? हाँ, करना पड़ेगा। अभी जो मैंने एग्जाम क्लियर किया है, ठीक है, अभी हमें इंटर्न में जो हमने जिस चीज में हम लैग कर रहे हैं ना, वो ही चीज हमें यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक वो हम तो स्पेशल ट्रेनिंग आप लोगों को मिलेगी? हाँ, वो मिलती है, मतलब जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे IMGs हैं, ठीक है, वो लोग हमें हेल्प करेंगे फॉर श्योर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप लोगों को NEET UG देना पड़ा था वहाँ पे MBBS करने के लिए? यार, हमारे टाइम पे ना टिल 2017 आपका ना नीट रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है, अगर आपके 0 नंबर भी आ रहा है ना तो आप तब भी आ सकते थे। 2018 में पता ही होगा आपको, MCI डिसॉल्व हो गई थी और NMC आ गई थी, नेशनल मेडिकल काउंसिल आ गई थी। उन्होंने एक नोटिस डाल दिया कि NMC कोई भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज को कुछ भी प्रेफरेंस नहीं देता है, तो आप अपने रिस्क पे जा रहे हो, ठीक है, ऐसे उन्होंने एक नोटिस निकाला। बट उन्होंने एक क्राइटेरिया ला दिया नीट का, तो हर साल नीट के बाद एक ना पासिंग परसेंटाइल होती है, जो यहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी चाहिए होती है, राइट। तो जैसे जनरल कैटेगरी के लिए आई थिंक 50% आई, और जो
अदर कैटेगरीज है उसके लिए थोड़ा कम होता है, लाइक 30-35, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली. तो वो ही स्कोर होता है, 180 मार्क्स चाहिए या ऐसा कुछ क्राइटेरिया तो होता है. तो अब जरूरी है नीट. लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज कि आप किसी ऐसे स्टूडेंट को क्या एडवाइस देना चाहोगे जो कि कंसिडर कर रहा है MBBS इन यूक्रेन. मेरे हिसाब से 70% ऑफ द स्टूडेंट्स जो वहाँ पे जाके हैं वो वहाँ पे जाके ना अपना मोटिव ही भूल जाते हैं कि हम यहाँ पे MBBS करने आए थे. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं किसी को एडवाइस करूँ मतलब जाने के लिए बाहर, ठीक है, मैं आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, और मैं उसको मैनिपुलेट कर दूँ कि नहीं भाई यूक्रेन, अब तो यूक्रेन वैसे ही नहीं जा सकते, वॉर हो रही है वहाँ पे. अगर मैं किसी को भी फॉर एग्जाम्पल यूक्रेन जाने के लिए बोल दूं, ठीक है, और अपने कंसल्टेंट के थ्रू ले आऊं, तो यू गेट अ गुड कट, गुड कमीशन मिलती है, यू गेट 1,00,000 रुपए के करीब यू गेट, ठीक है, तो आपकी कमीशन होती है. तो तुम किसी से भी बात करोगे कोई आपको मना नहीं करेगा वहां पे कि मत आओ, सबको अपने पैसे चाहिए भी और दूसरी कंट्री. हाँ, आपको यू गेट कमीशन, ठीक है, मतलब बेनिफिट मिलता है आपको अगर आप अपने उसी कंसल्टेंट के थ्रू ला रहे हो. तो आपको कोई भी सच नहीं बताएगा, बट मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको पता है ना आप किस स्ट्रगल से बाहर आए हो, मतलब यूक्रेन या जो भी है कोई भी कंट्री में जा रहे हो, आपके माँ बाप की हार्ड एंड मनी आपको पता है, मेहनत पता है, और आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, तो मुझे लगता है अगर आपको और आपको MBBS ही करनी है तो बाहर जाना MBBS अब्रॉड इज अ बेस्ट ऑप्शन. क्योंकि यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ की फीस तो यार अब तुझे पता ही है यार, अपना 1 करोड़ से ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो 30-40 लाख के बजट में अगर आपको MBBS करनी है, डिग्री लेनी है, तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन. अगर आप 1% भी आपको लगता है ना आप वहाँ पे जाके बिगड़ जाओगे तो भाई मत जाना, अपनी जिंदगी मत खराब करना, अपने माँ बाप का मेहनत का पैसा मत खराब करना. मैंने बहुत सारे मेरे दोस्त या फिर कुछ मेरे बैचमेट्स को बर्बाद होते हुए देखा है, नशों में पढ़ते हुए देखा है. पर अगर सपोज वो एग्जाम FMG नहीं क्लियर कर पाते तो क्या मतलब अब ये नया रूल आ गया है, मतलब ये हम पे लागू नहीं होता जो इस साल जो सोच रहा है जाने का, ठीक है, जो अभी मई 5th को एग्जाम आई थी नीट का, यूजी का, तो उसके बाद जाने का सोच रहा है. अब उन्होंने कह दिया कि आपको ये आई थिंक इंडिया वालों के लिए भी लागू हो गया ना कि 10 साल के अंदर MBBS कम्प्लीट करनी है, MBBS और BDS कम्प्लीट करनी है, ये रूल आ गया है. तो वही 6 साल की वैसी MBBS है बाहर, यहाँ 5.5 साल की आई थिंक है ना, तो वहाँ पे सब कुछ मिला के 6 साल का, एग्जैक्ट 6 years. उसके बाद आपके पास 4 साल है, साल में 2 बार ही होता है पेपर FMG, 2 बार ही होता है. तो जब तक क्लियर नहीं होगा आपको यहाँ पे यू हैव नो राइट्स, यू विल नॉट गेट अ चांस टू गेट इन टू अ कॉलेज टू गेट इंटर्नशिप हियर, तो वेस्ट है वो. आपको वैसे एक्सपीरियंस क्या था वॉर का उस टाइम का? हाँ यार, तो अभी 24 फेब को ही मतलब 3 साल हो जाएंगे अब, तो मैं थी वापस तक हो गई थी मैं, तो मुश्किल था, मतलब पता नहीं यार मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती. अभी भी तूने मुझसे पूछा ना वॉर बोला मुझे गूज बम्स आ गए, ऐसा लग रहा था सब खत्म हो जाएगा एक पॉइंट पे. मतलब मैं खार्किव में थी, खार्किव रशिया से 40 किलोमीटर दूर है, ठीक है, बंकर्स में रहना, ठीक है, और फिर बहुत सारे हेट मॉन्गरर्स हैं जो फेसबुक पे वेले बैठे रहते हैं ना लोग, और जिनको कोई काम धंधा नहीं होता है, ठीक है, उन लोगों ने इतना बुरा बुरा लिखा हमारे लिए कि कौन कहता है आपको यूक्रेन जाने के लिए, कौन कहता है बाहर जाओ पढ़ो, हाँ अब तुम सरकार का फ्री का तुम सरकार का पैसा लगवा रहे हो. वो ऑपरेशन गंगा हुआ था, लाइक आई एम रियली थैंकफुल टू आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी, उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया यार, ठीक है, और हम जो बच के आए ना उनके कारण ही आया, उनके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कारण ही कुछ टाइम के लिए वहाँ पे वॉर रुकी थी उस टाइम पे, और इंडियंस को जाने दिया था, ये सच बात है, और मैं तो डिनाई नहीं कर सकती, ये मैं अपनी आंखों से एक्सपीरियंस करके आई हूँ यार, देखा है, तो ये झूठ है. और हमारे लिए जो बॉर्डर्स खुले लैंड रोमेनिया हंगरी, वो भी हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री मतलब जयशंकर यार इंसान है वो, क्या मस्त है यार वो, उनके कारण ही बच के आए बस यार, मतलब बुरा टाइम था निकल गया कोई बात नहीं. उसके बाद मैं दोबारा यूक्रेन गई अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि जब वॉर हुआ था आई वॉज इन 5th ईयर, ठीक है, हमारे 6th ईयर में वहाँ पे ना हमारा लाइसेंस एग्जाम होता है टू गेट डिग्री, मतलब मुझे देना था यूक्रेन में टू गेट एलिजिबल हियर इंडिया में. तो मैं वापस गई, वहाँ पे मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया और फिर वापस आ गई थी अगस्त में, वापस आई हूँ. अभी यूक्रेन में एडमिशन का तो कोई सीन नहीं है अभी तो? नहीं हो रहा? नहीं नहीं. अभी अगर कोई जाना चाहे तो कौन कौन सी कंट्रीज में जा सकते हैं? यार मैं अपनी प्रेफरेंस तो नहीं देना चाहूंगी, मैं FMG रिजल्ट के अकॉर्डिंग बता सकती हूँ आपको, ठीक है. जॉर्जिया के बहुत सेलेक्शन होते हैं,
ठीक है, बट वो एक्सपेंसिव कंट्री है. यूक्रेन और चाइना तो मत जाना, वहाँ पे बहुत ज्यादा लाइक कंट्रोल चल रही है क्योंकि वहाँ पे वायरस वायरस आ जाते हैं. ठीक है, फंस जाओगे तुम चाइना में, मत जाना. वहाँ पे फूड बैरियर बहुत है, लैंग्वेज तो है ही. तो आई डोंट थिंक चाइना एक वाइज ऑप्शन है. बट ना चाइना में ऐसा है कि अगर आप चाइना से पढ़ के आते हो ना, तो आपको ना इंटर्नशिप नहीं करनी, सीधा FMG के बाद आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो. एक ये एक प्लस है. और किर्गिस्तान इज अ गुड ऑप्शन, सस्ता और अच्छा ऑप्शन. ठीक है, और वहाँ पे मतलब मेरे काफी दोस्त है किर्गिस्तान गए थे. फिलीपींस अगेन इज अ वेरी गुड ऑप्शन. ठीक है, वो तो कंट्री भी बहुत अच्छी है, मतलब बीच बीच है वहाँ पे, बहुत बढ़िया. ठीक है, और वहाँ पे बहुत सिलेक्शन होते हैं, मतलब वहाँ के बच्चे पता नहीं क्या खाते हैं, पता नहीं, भगवान जाने, बहुत पढ़ते हैं. या फिर वहाँ पे किर्गिस्तान, फिलीपींस, और मुझे लगता है रशिया भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि अभी भी वही वॉर वाला सब चल रहा है. हाँ, वैसे रशिया से कोई पंगा नहीं ले सकता, आई नो, बट नहीं जाना चाहिए यार. कुछ वक्त को चैलेंज नहीं करना चाहिए. हमें भी ऐसा ही लगता था कि कुछ वॉर नहीं होगी, ठीक है, बट एकदम से सब कुछ जज्बात बदल गए वहाँ पे. ठीक है, तो आई थिंक रशिया, यूक्रेन तो बंद ही है, चाइना ये सोच के जाना. मेरे हिसाब से जॉर्जिया, अगर आप अच्छी वेल टू डू फैमिली से हो तो आप जा सकते हो. होंगी सस्ती वाली, यूके भी तो है. है यार, बट महंगा है वो. फिर तो आप यही कर लो प्राइवेट, फिर तो पागल बनती है मुझे लगता है अगर आप यहाँ जा रहे हो. और साउथ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज भी है, वहाँ पे भी यार 70-80 लाख रुपए लग जाते हैं. फिर जब इतना लगा सकते हो तुम, तो 20 लाख रुपए और लगा के यहीं पे कर लो यार. फिर उससे सबसे बढ़िया तो यही है, अगर आप पैसा खर्च सकते हो आपके पेरेंट्स 1 करोड़ तक, तो आप यहीं पे ही सीट ले लो. कम से कम इतना दूर तो नहीं जाओगे. और तो मेरे ख्याल से किर्गिस्तान, जॉर्जिया, फिलीपींस ये अच्छे ऑप्शन है. कजाकिस्तान भी है, उज़्बेकिस्तान भी है, बहुत सारे हैं यार, बट मेरे ख्याल से किर्गिस्तान, जॉर्जिया और फिलीपींस ये अच्छे हैं. सिलेक्शंस अच्छी होती है, मतलब बच्चे पास कर जाते हैं बस फर्स्ट अटेम्प्ट में. और यूक्रेन भी एक अच्छा ऑप्शन था, बट अब तो नहीं जा सकता कोई. सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो गाइस. अगर आपको कोई और डाउट पूछना है तो यू कैन कमेंट. एंड डॉक्टर पूर्वा सूद का ईमेल एंड अदर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. My Instagram handle is also in the description box. So if you want to ask anything related to BDS or dentistry, feel free to contact me. And thank you so much for watching.